सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो हम लोग सेलिंग हो गए, आज 10 बज गई है, बस यहाँ से निकल लिया। अभी मे बी अब हम लोग जा रहे हैं ये आसपास के सी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पोर्ट पे लगना मतलब पैसा देना, इसलिए हम लोग यहाँ से जस्ट अभी निकला। 10 बज गई है और बाहर का व्यू देखिए, बाहर सामने प्रिंसेस की शिप खड़ी हुई है, मैं दिखाता हूँ अभी जस्ट आई। प्रिंसेस क्रूज की स्मॉल शिप है बट इट्स ओके। आज धूप बहुत तेज है यहाँ पे, अभी से टेम्परेचर 35 हो गया है, वो पसीना आ गया अभी से ही। दोपहर में तो और धूप हो जाती है। अभी कल पीसा टेस्ट का अभी किसी का हम लोग का रिजल्ट नहीं आया, देखिए अभी मे भी अनाउंस करेंगे 12-1 बजे तक। आई होप सब कुछ अच्छा हो, इस बार किसी का पॉजिटिव नहीं निकले, वरना पॉजिटिव निकलने का मतलब फिर 14 दिन रेड जोन में ही हम लोग की शिप रहेगी। रेड जोन का मतलब सब कुछ क्लोज रहता, मतलब जिम क्लोज और सारे वेन्यू जितने भी हैं रेस्टोरेंट सब कुछ क्लोज रहता, तो मज़ा नहीं आता। फिर फिलहाल हम लोग यही मना रहे हैं कम से कम इस बार कोई पॉजिटिव ना आए। सामने का पुल देखिए, उसके नीचे से मुझे स्मॉल पुल जाती हैं, उसमें भी यार्ड वगैरह है वो सब जाती हैं यहाँ से। बहुत गर्मी है आज, बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं अभी, कितना खूबसूरत लग रहा है उस साइड का जितने भी रेसिडेंटल हैं। ये पोर्ट लोडरल का सबसे एक्सपेंसिव एरिया में आता है। आप सोचिए सामने आपको क्रूज टर्मिनल है तो, और ये जो एरिया है इसके सामने देखिए पूरा बीच वगैरह है, तो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है। और वैसे भी अगर आपको बीच साइड घर लेना है तो पता ही है कितना एक्सपेंसिव होता है, तो एक एक घर यहाँ पे 50-50-100-100 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ मोस्टली एक्ट्रेस या बिजनेसमैन जो होते हैं वो ऐसे ही लेते हैं, तो लोग यही लेते हैं। अब यार्ड भी सबके पास, यार्ड भी एक यार्ड 5-10 करोड़ का आता है, तो आप सोच लीजिए कितना एक्सपेंसिव। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज, जो कि सेम जैसे कि लंदन ब्रिज है उसी तरह का सेम ब्रिज ये भी है, बट ये छोटा है और लंदन का ब्रिज पता ही होगा आपको कितना बड़ा है। तो अभी इसको देखिए, इसको ओपन कर रहे हैं और दोनों साइड का ट्रैफिक बंद क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर रहे हैं। इसके कोई क्रूज शिप ये छोटी मोटी क्रूज शिप जाती है, इसलिए इसको ओपन करते हैं। तो देखिए अब इस ब्रिज को क्लोज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको अब हर एक घंटे पे ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब इसे को क्लोज कर दे रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए इसका व्यू यहाँ का ऐसा है, और ये सामने सेलिब्रिटी की एज क्लास की शिप आ रही है, ये भी एक बड़ी शिप है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको पास से, ये भी बहुत यूनिक। इसमें सबसे अच्छा है कि इसका रेस्टोरेंट है जो कि आउटसाइड है एकदम, जो कि एकदम नीचे जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है रेस्टोरेंट, डेक 16 फ्लोर से लेकर डेक 1 तक। अभी दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको उसको। तो ये देखिए सेलिब्रिटी की शिप आ गई, सेलिब्रिटी की एज क्लास की शिप है, अभी इधर से आ रही है। इधर साथ में पायलट इसको रास्ता दिखा रहा है, पायलट इसके अंदर ही होगा। और देखिए इधर किसी, ये देखिए आप जो देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर के, यही इसका रेस्टोरेंट है। ये पूरा शिप के बाहर है, अभी ये इस समय डेक 15 पे है और ये डेक 0 तक पूरा जाता है, और ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। तो सोचिए आप इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये कोस्ट गार्ड जाते हुए, क्योंकि लगता है कोई उधर से छोटी बोट आ रही थी इसलिए सेफ्टी के लिए उसके पास गया, क्योंकि जब कोई बड़ी शिप आती है तो आसपास इसके पूरा इसका जो रोड होता है पूरा खाली कर देते हैं इसका भी, कि कोई दुर्घटना ना हो इसलिए। अब ये भी पोर्ट पे लग रही है, ये दो शिप कल लगे थी एज और आज ये लग रही है आके पोर्ट पे। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो कि आपने इंडिया में तो कभी नहीं देखा होगा, यहाँ पे देखिए
एक प्लेन है और सामने आप देख रहे होंगे बैनर लेके उड़ा है। ये एक्चुअली बैनर हुआ रेस्टोरेंट का बैनर है, जो कि एक बर्गर जो रेस्टोरेंट है बर्गर उसको बनाता है, उसका प्रचार कर रहा है। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, या तो टीवी पे देते हैं या तो फिर कहीं पे पोस्टर लगा दिया, चिपका दिया या बैनर लगवा दिया। बट यहाँ पे इसका आइडिया देखिए, एक प्लेन उड़ा है और उस पर पूरा बैनर लगा दिया। अब ये पूरे सिटी में दो तीन जितने भी राउंड मारना होगा पूरा मारेगा, पूरे बैनर को सिटी भर में घुमाता रहेगा। ये देखिए अब दोपहर का समय हो गया है, तो मोस्टली सभी लोग घूमने के लिए अपने बोट से जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज का मौसम भी अच्छा है, धूप बहुत तेज है, गर्मी आज बहुत है यहाँ पे। और दोबारा से हम लोग पोर्ट पे लग गए, क्योंकि अभी शायद हम लोग सब लोग का PCR टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया, तो कुछ गड़बड़ हुआ, इसलिए दोबारा से हम लोग लग गए। शाम के 8 बज गए हैं, बस शिफ्ट अभी 1 घंटा पहले ख़त्म हुई है। अब रनिंग के लिए आया था, रनिंग सब हो गई एकदम। हाँ, बस आज का दिन तो हो गया, क्योंकि कुछ आज भी कोविड केस मिल गया, तो आज भी फिर वही पुरानी कंडीशन आ गई। फिर 14 दिन हम लोग को मतलब फ्री में रहना पड़ेगा, क्योंकि 14 दिन में नेक्स्ट वीक पहले कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद अगर जैसा होगा बताएंगे। फिलहाल तो हम लोग का फिर शिफ्ट रेड में चली गई, CDC अभी अप्रूव नहीं करेगा, तो सेलिंग काफ़ी डिले हो गया है। और अभी मैंने आज यहाँ पे एक चीज़ देखा, जैसे कि आप लोग इंडिया में क्या होता है, किसी दुकान की या कुछ एडवर्टीजमेंट करनी होती है, तुम लोग क्या करते हैं, जैसे कि TV में ऐड दिया या पोस्टर लगवाया सिटी में। बट यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे ऐसा है कि हेलीकॉप्टर से पीछे हेलीकॉप्टर जाएगा, पीछे उसका बैनर टांग देते हैं। जैसे किसी का, जैसे अभी यहाँ पे मैं देखा कि वेडिंग का था, शादी का किसी का था, उसका प्रचार कर रहे थे, और एक कैफे रखा था बर्गर का, उसका मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो, मैंने बनाया था दोपहर में, वो बहुत अच्छा लगा वो आइडिया। अपने इंडिया में तो जैसे सिटी में पोस्टर लगा देते हैं, बट यहाँ पे ये अच्छा है कि हेलीकॉप्टर से एडवर्टाइजिंग करते हैं मोस्टली। जैसे कल हम लोग की सिपाही थी, तो CNN वाले BBC वाले हेलीकॉप्टर से इसको शूट ले रहे थे पूरा, और ऐसे आज ही ये लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे थे। उसका वीडियो बनाया था, देखिए तो मैं इसमें डाल दूँ। बाकी का तो आज हो गया, तो हम लोग अभी यहाँ थोड़ा जॉगिंग करेंगे और उसके बाद फिर रूम में जाएंगे। ऑलमोस्ट 9 o'clock इधर हो गया है, 8-9 हो गया इधर समथिंग। आज का दिन खत्म, और फिर मे भी एक हफ्ता हम लोग सी में रहेंगे। अभी देखिए सिटी से दूर आ गए हम लोग, सिटी वहाँ पे दिख रही होगी हल्की सी, हम लोग दूर आ गए सिटी से, अब जा रहे हैं जैसे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट, टेक केयर।